राहुल गांधी के करीबी और उनके सलाहकार सैम पित्रोदा ने बालाकोट हमले पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने अपने साथ साथ कांग्रेस की भी फजीहत करा डाली है। उन्हें इसका एहसास होना चाहिए कि उनका बयान पाकिस्तान के मन मुताबिक ही है। हैरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान इस बयान को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर ले। सैम पित्रोदा को बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक को लेकर इस कदर संदेह है कि वो वहां आतंकियों के मारे जाने के सबूत भी चाह रहे हैं। साफ है कि वो उन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं जिनकी ओर केंद्रीय गृह मंत्री ने संकेत किया था। वो शायद इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह विदेशी संवाददाताओं को हमले की जगह नहीं ले गया और जिन्होंने जाने की कोशिश की उनका रास्ता रोका। सैम पित्रोदा इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि वायुसेना प्रमुख यह कह चुके हैं कि उनका काम लक्ष्य भेदना था, ना कि लाशें गिनना। क्या वो इससे परिचित नहीं है कि पाकिस्तान ने किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक से भी इनकार किया था? क्या वो मोदी सरकार पर निशाना साधने के फेर में वायुसेना की क्षमता पर सवाल उठाने के साथ साथ उस पर शक भी नहीं कर रहे हैं? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इतना पता होना चाहिए कि मुद्दा यह नहीं है कि बालाकोट में कितने आतंकी मारे, बल्कि ये है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है और उसे यह सीधा संदेश दिया है कि भारत उसकी कर्तव्यों पर मौन नहीं रहेगा। कायदे से तो पाकिस्तान को ऐसा कोई संदेश मुंबई हमले के बाद ही दिया जाना चाहिए था। शायद कांग्रेस को इससे परेशानी है कि नरेंद्र मोदी ने कहीं अधिक राजनीतिक साहस का परिचय दिया। सच्चाई जो भी हो, राजनीतिक हित साधने के फेर में पाकिस्तान के मन माफिक बयान देने का कोई मतलब नहीं। मुश्किल यह है कि ऐसे बयान देने वाले सैम पित्रोदा अकेले नेता नहीं है। बीते दिनों सपा नेता रामगोपाल यादव भी पुलवामा कांड को लेकर ये कह गए थे कि वोट के लिए जवान मरवा दिए गए हैं। कुछ ऐसी ही बात अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं। इससे तो यही लगता है कि बिना सोचे समझे बयान दागने की बीमारी बढ़ती जा रही है। सैम पित्रोदा का मामला इसलिए कहीं गंभीर है क्योंकि उन्होंने केवल एयर स्ट्राइक पर ही संदेह नहीं जताया, बल्कि मुंबई हमले को लेकर यह भी कह गए कि 8 लोग आए और कुछ कर गए, तो इसमें पाकिस्तान को दोष देना सही नहीं। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो मुंबई हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मिलीभगत की अनदेखी करने के साथ ही साथ इससे भी अनजान रहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुंबई के गुनाहगार किस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और खुद उन्होंने बाद में अपने बयान पर लीपापोती की, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका। सैम पित्रोदा को पता होना चाहिए कि वो कांग्रेस को शर्मिंदा करने के अलावा राष्ट्रहितों पर भी चोट कर गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।